देश से कोरोना महामारी के मरीजों की गिनती से लगातार इजाफा हो रहा है। देश के ऑक्सीजन की भी घाट है। असी बार बार अपील करते हैं बाजारों से निकलना है तो मास्क ला के निकलो। तुम देख रहे हो बाजारों में जोड़े भी जिन्हें भी बंदे निकल रहे हैं उन्होंने मास्क कुछ नहीं लगे होंगे। उन्होंने सेहत विभाग वालों पुलिस प्रशासन वालों सैंपलिंग करी जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना हो। असी बार बार अपील करते हैं, बीमारी गंभीर है, इसका दूसरा चरण शुरू है देश के दे हस्पताल मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है। सेहत विभाग की टीम तुम देखो इतने बैठी है और टीम वालों लगातार एक कार्रवाई जारी है, सैंपलिंग करी जा रही है। सेहत विभाग की टीम तो पुलिस अधिकारी इतने हैं। जोड़े बंदे मास्क लगा के नहीं जा रहे उन्होंने सैंपल ले जा रहे हैं कोरोना के ताकि कोई भी व्यक्ति इफेक्टेड ना हो। तकरीबन 260 तक सैंपलिंग हो चुकी है। इतने जोड़े लोग मास्क पा के नहीं आते उन्होंने जागरूक किया जाता कि वो मास्क पा के आने हूँ तक 260 सैंपल लै चुके हैं। लोगों के डेली आने आप जोड़े लोग मास्क नहीं पाते उन्होंने जागरूक किया जाता कि वो मास्क पाउन उन्होंने सैंपल लिया जाता तो उन्होंने अगे भी गाइड किया जाता कि अपने परिवार वालों के भी सारे के टेस्ट करा के जाओ क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है। कोरोना की सैकंड वेव आ चुकी है, इस करके लोगों को एहतियात करना चाहिए। चीज़ों कमीशन डॉक्टर साहब जी ने दसा कि सेहत विभाग लगातार जो चौंक है उत्थे सैंपलिंग कर रही है। जिन्होंने मास्क नहीं लाए उन्होंने मास्क दे रहे हैं, बाकी जिन्होंने सैंपलिंग करा रहे हैं जिहड़ा भी पंजाब सरकार दीआं हदायतां नूं मुख रखदे सैंपलिंग करा रहे हैं। पंजाब सरकार दी हदायतां दे मुताबिक सेहत विभाग ते पुलिस प्रशासन लगातार सैंपलिंग करा रहे। जिहड़ा व्यक्ति मास्क लगा के बाजार से नहीं लंघेगा उसके सैंपल कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोई भी इफेक्टेड व्यक्ति दूजे व्यक्ति के संपर्क से ना आए और कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट नाल ना आए। मास्क लगाओ, यही बचाव है। दूरी का डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो ता ही तुम सुरक्षित रह सकते हो, थोड़ा परिवार सुरक्षित रह सकता है। मास्क लगा के जाना ही इस बीमारी तो बचाव के लिए सहाय सिद्ध हो सकता है। इसलिए जिहड़ी सेहत विभाग के कोविड नियम हैं उन्हां दी पालना सानू सारां नूं करनी चाहिए। कैमरामैन बालकृष्ण गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।